नमस्कार दोस्तों, मिस्टर रिकॉर्डिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मैकबुक या जो भी सिस्टम आपकी है जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, ये 100% वर्किंग सॉल्यूशन है। आप ये वीडियो पूरा देखिए और इसमें जो भी स्टेप बताए हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप अपना इंस्टॉलेशन परफॉर्म कीजिए, ताकि आपका जो मैकबुक लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसमें आप अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पहले करना क्या है, आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेटअप है, जो उसकी ISO फाइल है, वो होनी चाहिए। तो आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करके आपको सीधा लिखना है विंडो 10 ISO फाइल। इतना करने से यहाँ पे जो पहली लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये जो कहाँ से डाउनलोड करना है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और यहाँ पे जो डाउनलोड टूल नाउ वो लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको रन करना है। तो मेरा ये जो डाउनलोड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड में प्रोग्राम पे यहाँ पे मीडिया क्रिएशन डाउनलोड हो गया, इस पर डबल क्लिक करके इसको रन कर दीजिए। यहाँ पे विंडो, जो विंडो 10 का इंस्टॉलेशन फाइल है, वो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करते समय आपको अपना इंटरनेट शुरू रखना है। दोस्तों, यहाँ पे आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से टाइम लग सकता है। तो पहले तो आपको विंडो 10 की ISO फाइल पूरी तरह से डाउनलोड करनी है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड दिस पीसी और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको विंडो एडिशन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो बेहतर है कि इंग्लिश और ब्रैकेट में यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट रखिए। और फिर यहाँ पे आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना है, तो आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। 32 बिट चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, 64 चाहिए तो वो सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, मैं 64 बिट ही रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो 64 बिट में ही आ रहे हैं, 32 बिट में उसका सपोर्ट धीमे धीरे बंद कर रहे हैं। तो 64 बिट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे USB फ्लैश ड्राइव नहीं रखना दोस्तों, यहाँ पे ISO फाइल रखना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। तो आपको पूछेगा कि आपको ये जो फाइल डाउनलोड होगी वो कहाँ पे स्टोर करनी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी के लिए डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो विंडो लिखा है उसका फाइल का नाम दे देता हूँ विंडो 10 और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है पूरी वो ख़त्म हो जाने दीजिए। ये पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद जो आपकी ISO फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो जब तक ये प्रोसेस 100% कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप वेट कर लीजिए। दोस्तों, ये देखिए हमारी विंडो 10 की जो ISO फाइल है वो पूरी तरह से डाउनलोड हो गई है। फिर आपको क्या करना है, ये फाइल को अपने जो मैक सिस्टम है जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उस पर वहाँ पर कॉपी करना है। तो ये अभी के लिए हम पेन ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारी जो ISO फाइल है वो पेन ड्राइव में कॉपी हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करनी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो हमने पेन ड्राइव में जो ISO फाइल कॉपी की है वो आपको डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेनी है। जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेनी है। अपनी पेन ड्राइव में से विंडो 10 की जो ISO फाइल है वो कॉपी कर ली है और फिर आपको जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट करनी है, जो उसको ब्लैंक रखनी है। फिर आपको यहाँ पे मैकिंटोस पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूटिलिटीज़ का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। उस पे डबल क्लिक करने के बाद आपको बूट कैम्प असिस्टेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों, बूट कैम्प असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो बूट असिस्टेंट खुल जाएगा, फिर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको जो हमने डेस्कटॉप पे विंडो 10 के ISO फाइल रखी है वो चूज़ करनी है, वो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। दोस्तों ये जो ISO फाइल आपको डेस्कटॉप पे रखी है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो फाइल है वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। फिर आपको यहाँ पे पूरा पाथ दिखेगा और फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जो आपकी पेन ड्राइव है यहाँ पे कंटिन्यू बटन क्लिक करके जो आपकी आपने जो पेन ड्राइव इंसर्ट की है वो पेन ड्राइव पूरी तरह से फॉर्मेट होगी और फिर वो पेन ड्राइव बूटेबल होगी, जो हमने विंडो 10 की ISO फाइल डाउनलोड की है वो उसमें कॉपी होगी। दोस्तों अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पुराना है तो ये प्रोसेस परफॉर्म होगा, ये स्टेप परफॉर्म होगा। अगर आपका वर्जन नया है तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो परफॉर्म होगा। तो आपको यहाँ पे जो ये पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाने देनी है और आपका जो इंटरनेट है ये प्रोसेस के दरमियान शुरू रखना है, क्योंकि कई फाइल ऐसी होती है जो डाउनलोड करनी पड़ेगी तो सिस्टम अपने आप डाउनलोड करेगा। देखो यहाँ पे जो सिस्टम है वो डाउनलोड कर रहा है, तो आपको अपना इंटरनेट शुरू रखना है और पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाने तक आपको वेट करना है। दोस्तों आपका इंटरनेट की स्पीड सही होगी तो ये सारी फाइल जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी, वरना थोड़ी देर भी लग सकती है। तो आपको ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने तक वेट करना है। तो यहाँ पे मेरी प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट हो गई। फिर दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। यूज़र का नेम अपने आप लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आपको जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र का पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे मैं अपना जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र का पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे जो नीचे ओके बटन दिया गया है वहाँ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों क्या करना है, ये जो स्टेप है वो यहाँ पे आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो स्पेस है पार्टीशन की स्पेस वो देनी है। यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे दे दीजिए। अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नया है तो सीधा ये स्टेप आएगा जो मैंने पहले बताया था, पहले का जो पेन ड्राइव बूटेबल वाला स्टेप है वो नहीं आएगा, सीधा ये स्टेप आएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करना है और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने देनी है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट भी हो सकती है, तो आपको जो पूरी प्रोसेस है वो अपने आप कंप्लीट होने देनी है। तो यहाँ पे जो पार्टीशन डिस्क का जो स्टेटस है वो आ रहा है, धीमे धीमे प्रोसेस बढ़ रही है, ये प्रोसेस पूरी हो जाने तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो उसके दरमियान कई कई बार आपको पासवर्ड एंटर करने को बोलेंगे सिस्टम, तो आपको यहाँ पे अपना मैक यूज़र है, मैक ओएस का यूज़र है, उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के फिर यहाँ पे जो नीचे अनलॉक बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अनलॉक बटन क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने देनी है। तो यहाँ पे मैं अभी अनलॉक बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर ये जो अपनी सिस्टम है वो रिस्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मेरी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो रही है। दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने देनी है। रिस्टार्ट ये अभी हमारा जो लैपटॉप है वो रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद सीधा क्या आएगा, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के जो सारे स्टेप है वही सारे स्टेप यहाँ पे आएंगे। तो अभी सेटअप स्टार्टिंग आ रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेटअप है वो यहाँ पे मैसेज आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप है वो अब स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वही रखने हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास की है तो इंसर्ट कीजिए, वरना नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पे विंडो का जो एडिशन है वो सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे विंडो 10 प्रो सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो टर्म्स और कंडीशन है वो एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको जहाँ पे बूट कैंप लिखा है वो पार्टीशन सिलेक्ट करना है। वो पार्टीशन सिलेक्ट करने के बाद आपको उसको फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट यहाँ पे जो बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट बटन पे, और ये जो पार्टीशन है पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट हो जाने के बाद वो पार्टीशन सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे
क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो ये प्रोसेस है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने देनी है, तब तक आपको वेट करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तो दोस्तों ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों अगर इसमें आपको टाइम लग रहा है तो आप पूरा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने में काफ़ी देर भी लग सकती है। तो अभी के लिए हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंस्टॉलेशन स्टेप है, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जो कई डिटेल हमें डालनी पड़ती है, वो सब स्टेटस आएंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए विंडो लोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है गेटिंग डिवाइस रेडी। अब ये नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम विंडो में जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना ही, तो ये सब हमें स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो जो भी स्टेप आएंगे उस तरह से आप परफॉर्म करते जाइए। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, विंडो जो कॉन्फ़िगर हो रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों ये जो सारे स्टेप है वो वन बाय वन कर लीजिए। यहाँ पे आपको आपका रीजन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं रीजन यूनाइटेड स्टेट ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट यस बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों ये बटन क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे कीबोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको कीबोर्ड का लेआउट ऐड करना है तो लेआउट ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी लेआउट रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद कुछ मिनट लेगा उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो तब तक आपको वेट करना है। ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने देनी है। दोस्तों ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, और शुरू होने के बाद ये जो बूट कैंप है उसके लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये पहली बार जब आपका विंडो सिस्टम शुरू होगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद शुरू होगा, तब ये पहली बार पूछेगा, तो इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने देनी है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद, तो ये प्रोग्रेस ख़त्म हो जाने तक आप इसको वेट कर लीजिए। ये प्रोसेस कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो ये बूट कैंप का जो ऑप्शन है वो अपने आप रन हो जाएगा जब हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होगी, तब अपने आप ही वो शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो स्टेप दिए गए हैं, वहाँ पे जो नेक्स्ट बटन होगा वो आपको क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर देना है। तो ये पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाए तब तक आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, क्योंकि ये मैक जो सिस्टम होती है उसके लिए बूट कैंप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद भी उसको ये जो सिस्टम जब यहाँ पे बूट कैंप डिस्प्ले करे तब उसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये देखो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकबुक में इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना, तो इसको आप ज़रूर से देख लीजिए। और अगर दोस्तों आपको इस इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर से दूंगा। तो ये बहुत ही आसान है और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जो विंडो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Oh,